नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है। गौरव कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड के अध्याय में आज हम लोग सीखेंगे इंसर्ट ऑप्शन में टेक्स्ट बॉक्स क्विक पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स पर मैंने क्या किया, क्लिक किया। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, एक डाटा को मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। जो अक्सर मैं डाटा को आपको इंसर्ट करते रहता हूँ, आप इस तरह से भी डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पर इंसर्ट डाटा मैंने कर लिया। अब मुझे क्विक पार्ट से पहले हमको सीखना है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, कहीं भी बीच में, इसमें साइड में, इधर में, चाहे बीच में, कहीं भी एक टेक्स्ट बॉक्स आप लगा सकते हैं। जिसमें इसमें क्लिक किया तो यहाँ पर इतना सारा टेक्स्ट बॉक्स है। तो मेरे पास, मैं अभी छोटा सा इसको मैं ले लेता हूँ, और जैसे ले लिया इस पर हम इसको कर देते हैं, इसको कर दे एडिट। और यहाँ पर लिख रहा हूँ इस तरह से गौरव कंप्यूटर लिखा। अब इसमें आप बहुत सारा चेंजिंग कर सकते हैं। इसका प्रॉपर्टी आ गया है यहाँ पर, इसका प्रॉपर्टी यहाँ पर आ गया है, ठीक है ना। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो इसका प्रॉपर्टी आ जाएगा। तो प्रॉपर्टी में बहुत सारे इसमें आपको डिजाइन है, जो आप इस तरह से देखिए चेंजिंग कर लीजिए। चेंजिंग जैसे इस तरह से मैंने कर लिया चेंजिंग, और इसमें कुछ और अलग ढंग से फिल करना चाहते हैं फिल कर सकते हैं। इसका लाइन का बोल्डनेस कर देते तो आपको पता चलेगा इस तरह से। इसमें भी क्या है, इसमें मैं देखिए इस तरह से मोड़ सकते हैं, इस तरह से शेडो में, इस तरह से परछाई में, इसको रखता है इधर तक, आपको समझ में आएगा। इस सब मैं पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ। देखिए इस तरह से कर सकते हैं, लग रहा है एकदम उठा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। शेडो में आ जाइएगा तो इस तरह से परछाई वगैरह कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन में इस तरह से कर सकते हैं, देखते जाइए ग्लो में इस तरह से कर सकते हैं, देखते जाइए। सब पहले भी मैंने आपको बता चुके, इस पर टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन इस पर करके आपको कहीं भी इसके बीच में अगर हम इसको रख सकते हैं इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स को, ठीक है, ऐसा करके आप रख सकते हैं। तो इसमें इस तरह से आप लगा सकते हैं। और इसके अंदर हम लोग इस फील्ड में आ जाते हैं, तो अगर हम पिक्चर में आ जाएंगे तो इसके अंदर कोई पिक्चर उक्चर भी आप लगा सकते हैं, पिक्चर वगैरह भी इसके अंदर आप रख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए पिक्चर के अंदर इस तरह से भी आप लाइक, ये सब सारे ऑप्शन मैंने आपको पहले भी आपको मैंने बता चुका हूँ। इस सारा चीज टैक्स इफेक्ट, इस सारा टोटल चीज़ में आपको मैं आपको बता चुका हूँ। तो उसको अभी यहाँ पर जरूरत नहीं है बताने के लिए, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं पहले भी इसको ही बता चुका हूँ। तो इसको मैं करता हूँ डिलीट, और फिर से मैं जाता हूँ इंसर्ट में, और फिर मैं लगता है टेक्स्ट बॉक्स में और कुछ देखते हैं। और मुझे इस साइड लेना है, देखिए इस साइड आपको टेक्स्ट बॉक्स लग जाएगा। और फिर यहाँ पर आपको क्या कर सकते हैं, इसको आप हटाइए और जो भी आपको लिखना चाहते हैं आप सब लिखना चालू कीजिए। इस तरह से लिखिए, जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, आपको साइड में आपको लग जाएगा। और इसका भी आप डिजाइन वगैरह चेंज कर सकते हैं, जो अभी आपको मैंने बताया ही टोटल चीज़ है। फिर यहाँ से इसको चेंज आप कर सकते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ऑप्शन है जो आपको यूज करने में बहुत अच्छा है। तो आप इसको यूज कर सकते हैं, इसको छोटा भी बड़ा कर सकते हैं, इस तरह से छोटा बड़ा आपको जितना करना चाहते हैं आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। क्लिक कीजिएगा तो आपको इतना यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं, गलत हो गया है, यहाँ से पकड़ के इसको छोटा कर सकते हैं, एक मिनट, इसमें डबल है, यहाँ से पकड़ के छोटा कर सकते हैं, और यहाँ से पकड़ के छोटा कर सकते हैं। दूसरा ले लेते हैं, थोड़ा सा फिर से ले लेते हैं इसको, जाते हैं और इसमें कलर फिल कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। और इसको जहां मन तहां आप इसको, अब इस साइड है तो इस साइड हमने इसको लगा दिया। और इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीज है, और इसमें देखते हैं, इसको कर देते हैं डिलीट। इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं कर देता हूं डिलीट, और फिर जाते हैं इंसर्ट में जाते हैं, और फिर आते हैं टेक्स्ट बॉक्स में आते हैं। तो इस तरह से इसको आप ले सकते हैं, और नीचे आते हैं मोर टेक्स्ट बॉक्स।
ठीक है ना, ड्रा टेक्स्ट बॉक्स, तो इससे भी आप ले सकते हैं। इसमें आपको चूज करना है कि आप यहाँ इस तरह से कि आप राइट में इस तरह से जो भी स्टाइल पसंद कीजिए आप ले सकते हैं। इसमें पसंद नहीं तो मोर टेक्स्ट बॉक्स में आगे फिर यहाँ पर आपको दिया नीचे भी, आप नीचे भी इस तरह से लगा सकते हैं। इसको कंट्रोल जेड करेंगे, फिर जानते हैं नेक्स्ट में आते हैं टेक्स्ट बॉक्स में फिर आते हैं, और इसमें से पसंद नहीं है तो फिर आते हैं ड्रा, ड्रा में। तो क्या क्या करेगा, आपकी इच्छा अनुसार जहाँ पर आपको रखें, देखिए आपको पॉइंटर आपको चेंज हो गया, और यहाँ पर इस तरह से आप करके एरिया बना सकते हैं, इसके अंदर कुछ आप लिख सकते हैं। इस तरह से भी आपको ऑप्शन ये आपको दे दिया है, और इसको मैं आपको हटाना चाहता हूँ तो आप हटा भी सकते हैं, हटा दिया। फिर इंसर्ट में जाएंगे, फिर हम लोग जाएंगे टेक्स्ट बॉक्स में। तो इस तरह से आप एक ले लेते हैं ड्रा फिर से, और इसमें कुछ लिख लेते हैं, इसको बड़ा कीजिएगा तब आएगा। तो इस तरह से इसको कुछ न कुछ आप उपयोग कर सकते हैं। फिर टेक्स्ट बॉक्स में जाते हैं, और देखिए टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर आते हैं, देखिएगा पहले क्या था, देखिए इस पर क्लिक किया तो देखिएगा ये नीचे ऑप्शन हाईलाइट नहीं था, लेकिन इस पर क्लिक करेंगे तब जाकर हाईलाइट हो जाएगा, और हाईलाइट हो जाएगा तो इस पर क्या क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आता हूँ। इस पर आएंगे, सेलेक्ट करेंगे तब हाईलाइट हो जाएगा, और जैसे हम लोग सेलेक्ट करते करें सेव सिलेक्शन एंड टेक्स्ट बॉक्स गैलरी, आप अगर सेव कर लेते हैं तो बाद में इसका उपयोग कर सकते हैं। करो अगर आपको हम मुझे बार बार इसको लिखना होता है तो इसको हम क्या करते हैं सेव करके मैं इसको रख लूँगा, तो उससे क्या होगा बेनिफिट कि बाद में इसको हम लोग कहीं भी इसको रख सकते हैं। ये आपको गौरव कंप्यूटर ये सब टेक्स्ट बॉक्स गैलरी सब ना सेव कर दीजिएगा तो बाद में इसको यूज कर सकते हैं, ताकि इसी को ऑप्शन आने वाले मैं आपको आगे बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसको मैं करता हूँ कट। अब हम लोग चलते हैं, देखिए क्विक पार्ट में चीज आएगा। क्विक पार्ट में क्या है, ऑटो टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट मतलब क्या होता है, आपको बार बार कोई चीज लिखने का होता है तो आप उसको लिख के सेव कर दीजिए। जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, मुझे बार 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 मैं चीज में लिखता हूँ, और मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से मैं इसको कॉपी सिर्फ सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट किए और क्विक पार्ट में जाएंगे, और यहाँ पर जाने के बाद देखिएगा यहाँ पर आ जाएंगे सेव सिलेक्शन, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम आपको सेव ओके पर क्लिक कर रहे हैं। इसका बेनिफिट क्या होगा कि यहाँ पर हम आपको लिखना चाहते हैं, जैसे हम लिखेंगे गौरव कंप्यूटर, तो हम लोग क्या किए, हम लोग इतना लिखे तो हम लिखना नहीं चाहते हैं, तो इसको हम लोग लिखना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तुरंत क्लिक करें और वो आपको लिख दे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमको लिखना नहीं चाहते हैं, यहाँ पे मैं कर्सर को रखूँगा और जाऊँगा क्विक पार्ट में और यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। जैसे क्लिक कर दूँगा तो ये आपको यहाँ पर आके वो आपको हो गया, और हम लोग बहुत सारे इसमें हम टेक्स्ट लिख कर हम इसको सेव कर दे सकते हैं। टेक्स्ट को लिख कर हमको बहुत सारे इसमें सेव कर देंगे, और जैसे तो और कुछ लिख देते हैं तो लिख के सेव करते हैं, तो मैं यहाँ पर और कुछ लिख देता हूँ, इस तरह से मैंने लिख दिया, और यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं, नहीं कॉपी नहीं सिर्फ सेलेक्ट कीजिएगा, और फिर यहाँ पर आएंगे, और आने के बाद यहाँ पर सेव में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ लिखे हैं और यहाँ पर देखिए सेव कर दिए। अब हमको इसको लिखना होगा तो डायरेक्ट यहाँ कर्सर आएंगे और टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पर क्लिक कर, देखिए यहाँ पर लिस्ट बनते जा रहा है, क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ से आ जाएगा। इस तरह से बहुत इसका उपयोग अच्छा उपयोग है। उसके बाद देखिएगा नीचे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में हम मुझे चाहिए कंपनी का नेम, तो कंपनी में जैसे क्लिक करेंगे देखिए कंपनी कुछ नहीं आया, ब्लैंक आया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसका प्रॉपर्टी सेट करेंगे, तो प्रॉपर्टी सेट करने के लिए फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद जाएंगे इन्फो में जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा प्रॉपर्टीज पर क्लिक करके यहाँ पर एडवांस प्रॉपर्टी पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको जैसे टाइटल, टाइटल में पूछ रहा है तो टाइटल में आप जो भी नाम दे दीजिए गौरव, सब्जेक्ट में हम दे दिए कि हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ाते हैं तो कंप्यूटर ज्ञान लिख देते हैं। उसके बाद ऑथर मतलब गौरव के नाम से ही है, चलिए मैनेजर, मैनेजर मतलब अपना नाम दे देते हैं। ठीक है, कंपनी गौरव
स्टूडियो से दे देते हैं कैटेगरी, कैटेगरी में कंप्यूटर दे देते हैं, ठीक है ना। कीवर्ड तो इसमें कीवर्ड दे देते हैं गौरव कंप्यूटर ज्ञान, ठीक है। कमेंट यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं, हाइपरलिंक कुछ आप दे सकते हैं, ठीक ना। कमेंट भी लिख सकते हैं, हम लिख दिए कंप्यूटर या हाइपरलिंक में दे देते हैं इस तरह से, कोई लिंक यहाँ पर दे देते हैं इस तरह से। अब दीदी कोई अपना लिंक दे दिया, उसको ओके पर क्लिक कर देते हैं। अब देखिए क्या इसका बेनिफिट होता है सर। अब हम लोग चलेंगे जो मेरे पेज इसमें हम आ गए, अब यहाँ पर आएंगे और किक पार्ट यहाँ पर आएंगे। अब हमको देखिएगा कैटेगरी में क्या लगाए थे, देखिए कंप्यूटर लगाए थे आ गया, ठीक ना। उसके बाद फिर आगे बढ़ जाते हैं हम नेक्स्ट में, यहाँ पर हमको जो पड़ गया क्या जो पड़ गया हमको जो पड़ गया कंपनी का एड्रेस हम नहीं फिल किए थे, मैनेजर का नाम क्या है देखिए मनोज कुमार हम इसके नाम के दिए थे, और आगे बढ़ जाते हैं जहाँ हमको जो पड़ेगा वहाँ पर क्लिक कर देंगे। और इस तरह से जितना इसमें आप टाइटल में क्या दिए थे तो गौरव दिए थे, इससे आप उपयोग कर सकते हैं इस तरह से प्रॉपर्टी में आके, बहुत अच्छा ये आपको है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट में क्या मेरे पास है फिल, यहाँ पर आते हैं यहाँ पर क्लिक किए, क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर मैं मैनेजर में या कंपनी में या जो नाम दिए थे उसमें कुछ मॉडिफाई भी कर सकते हैं, मॉडिफाई में बड़ी छोटी क्या आप कर सकते हैं, तो इसमें मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो देखिएगा इसमें आपको हम दिए हैं, देखिएगा ऑथर में हम लोग नाम दिए थे, ऑथर में अपर कैस में लेना चाहते हैं कि आपको लोअर कैस में लेना चाहते हैं कि फर्स्ट कैपिटल में लेना चाहते हैं कि क्या लेना चाहते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपर कैस में मैंने लिया, ओके पर क्लिक किया ऑथर में, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे जो पड़ेगा ऑथर में, तो देखिए डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में आएंगे, ऑथर पर क्लिक किया तो देखिए यानी किस तरह से आप बड़ी छोटी आप कर सकते हैं। तो मैं फिर से आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिल में जाएंगे और देखिएगा ऑथर, ऑथर में चलते हैं, आपको फर्स्ट आपके लोअर में फर्स्ट कैपिटल, फर्स्ट कैपिटल में ओके किए, फिर कर्सर रखें कहीं भी आपको इच्छा है कर्सर रखें, और फिर जाएंगे फील्ड में आएंगे और अब देखिए ऑथर, ऑथर पर क्लिक किए तो आपको इस तरह से आप उसको हम ले आ सकते हैं। तो ये आपको क्या हुआ, बड़ी छोटी करने के लिए हुआ, तो बड़ी छोटी करने के लिए, ठीक है। कोई अपर में फिर से मैं चलता हूँ इसी पर, लगता है कि ऑथर में नाम नहीं दिए थे। उसके बाद हाइपर लिंक कीवर्ड में आते हैं, कीवर्ड में आ गए और हम लोअर कैस, ठीक है, लोअर कैस पर क्लिक करके ओके पर क्लिक करते हैं। अब हम चलते हैं कीवर्ड में, यहाँ पर आते हैं कीवर्ड, तो देखिए गौरव कंप्यूटर किया है इस तरह से। आप इसको मैंने बड़ी छोटी अपर नीचे इस ऊपर नीचे इस पर कर सकते हैं। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, यहाँ पर आते हैं इस पर क्लिक किए, और इसमें क्या है इस ऑप्शन में इसका ये होता है कि अगर आप ये क्या करता है कि वर्ड खुद इसमें बहुत सारे आपको ऐड किया करता है, जो भी हम लोग जैसे माने कि हम लोग गौरव जो हम लोग ऑथर में ऐड किए थे तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं जो आप बनाए, लेकिन ये क्या करता है जितना भी हम लोग कंप्यूटर में देखिएगा सब जितना भी पीछे सीखे होंगे सब यहाँ का स्टोर है इसमें टोटल चीज, देखिएगा टोटल चीज स्टोर है इस तरह से, टोटल चीज इसी में स्टोर है इसमें। तो आप यहाँ से डिलीट नहीं कीजिएगा, आप अपना जो बनाए उसको जो अभी हम बनाए नाम वगैरह हंसपुरा देखिए यहाँ पर ऑर्डर टेक्स्ट में सेव हो गया, जो हम बनाएंगे उसको डिलीट आप कर सकते हैं, ठीक ना। आप एडिट भी कर सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पर जो आपको दिक्कत हो रहा है छोटी में लिखना है कि बड़ी में लिखना है, आप सेव पर क्लिक कीजिएगा तो आप एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जितना बुक पोस्ट जितना क्विक पार्ट यहाँ पर सब जो सेव है ये कौन सा सेव है जो वर्ड एम एस वर्ड ने खुद कंपनी बना के यहाँ पर डाला है, और आप जो बना के डिलीट भी कर सकते हैं एडिट भी कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट हमको चलते हैं सेफ सिलेक्शन क्विक पार्ट, सेफ सिलेक्शन। अब हमको देखिए यहाँ इसको मैं थोड़ा सा डिजाइन बना देता हूँ, यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद होम में जाऊँगा, होम में जाने के बाद इससे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसको बड़ा किया और यहाँ से इसको इस तरह से
ले लिया। अब यहाँ पर लेने के बाद हम जाते हैं इंसर्ट में जाते हैं और जाते इसमें और सेव, सबसे नीचे सेव सिलेक्शन क्विक गैलरी और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देते हैं। अब इससे क्या होगा बेनिफिट, अब मैं पेज को कर लेता हूँ ब्लैंक। अब यहाँ पर आते हैं और जैसे ही हम लोग आ जाते हैं और अब इसको हम लोग एक मिनट इसको क्लोज कर देते हैं, तब पसते चले सब क्लोज कर दिए, ओपन कर लेते हैं ठीक है। अब ब्लैंक में जाएंगे और हम लोग फिर इंसर्ट में जाएंगे और फिर हम लोग जाएंगे क्विक पार्ट में। तो यहाँ पर ही हम लोग जाएंगे, देखिएगा क्विक पार्ट में गए और यहाँ से आपको गौरव कंप्यूटर ज्ञान के नाम से इसको ला सकते हैं ठीक है। लाकर और फिर मैं इसको फिर से मैं आपको डिजाइन बना देता हूँ और इसको कर देता हूँ बड़ा। बड़ा करने के बाद अब की मैं जोड़ देता हूँ हंसपुरा भी ठीक है, जोड़ दिया। अब इसको मैं करता हूँ कॉपी नहीं करना है, सिलेक्शन करना है, यहाँ पर जाएंगे और लास्ट वाले के पास सेव करते हैं, इसको फिर से सेव किए और ओके कर देते हैं। अब देखिए नीचे हम लोग आते हैं, एक और पेज इंसर्ट कर लेते हैं और इंसर्ट करने के बाद फिर हम लोग जाएंगे क्विक पार्ट में। तो देखिए यहाँ पर आपको आ गया, इस पर क्या कर दें क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको इंसर्ट आपको हो गया। तो इस तरह से सबको यूज कर सकते हैं, जो टोटल ऑप्शन का मैंने आपको बताया, टोटल ऑप्शन का मैंने आपको कंप्लीट मैंने आपको करा दिया। तो आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।